गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड, आर्ट एंड क्राफ्ट बुक, पेज नंबर 17। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अ पपेट, पपेट फेस ड्राइंग। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो आर्ट एंड क्राफ्ट बुक है तो ऑलरेडी आपको एक हाफ पिक्चर दिया हुआ है। अ बॉय का फेस है, पपेट का फेस है, तो आप देखोगे तो यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ किया है ना। स्टूडेंट्स, हमें ये चेक करना है कि हमारा जो फेस है, अगर आप मिरर के सामने जाके खड़े रहोगे और मिरर में चेक करोगे तो सेंटर में एक स्केल रखो और चेक करो दोनों पार्ट सिमिलर है तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल। स्टूडेंट्स, ये जो फेस है ये सिमेट्रिकल पार्ट है, आप सेंटर से डिवाइड करके चेक करोगे तो दोनों पार्ट सिमिलर है, हाफ पार्ट और यह पार्ट आप जज करोगे, ऑब्जर्व करोगे तो दोनों पार्ट सिमिलर दिखेंगे आपको, तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल फेस। सेम एज यहाँ पर मैं आपको एक बॉल दिखा रहा हूं, है ना। अगर बॉल को हम सेंटर से कट करेंगे तो दोनों पार्ट सिमिलर है ना। यहां से हम कट करेंगे दोनों पार्ट डिवाइड होंगे तो दोनों पार्ट सिमिलर है, तो इसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल से। सेम एज यहाँ पर हमारे पास एक बॉटल है, तो बॉटल को अगर हम सेंटर से कट करेंगे तो जो दो पार्ट डिवाइड होंगे वो दोनों पार्ट सिमिलर है तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल। सेम एज आपको यहाँ पे एक सिमेट्रिकल फेस ड्रॉ करना है, हाफ पेज आपको दिया हुआ है, हाफ पेज आपको फोल्ड करके ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर से लाइन दिया हुआ है तो आपको यहाँ से पेज को फोल्ड करना है और ट्रेस करना है। तो ऑलरेडी आपको ऐसे पैटर्न, डिफरेंट पैटर्न ड्रॉ किया है, जैसे कि हेयर है तो हेयर में वी शेप ड्रॉ किया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वी शेप है तो यहाँ पर हम क्रेयॉन्स कलर यूज करेंगे। क्रेयॉन्स कलर को आपको इसके ऊपर ओवरलैप करना है, जो आपको पैटर्न ऑलरेडी दिया है उसके ऊपर आप ओवरलैप करोगे। सेम एज यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन दिया हुआ है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे पिंक कलर, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हम रिपीट करेंगे। सेम एज यहाँ पर जो आउटलाइन दिख रहा है वो ब्लैक कलर से है, जो आउटलाइन है इसको हम ब्लैक कलर से रिपीट करेंगे, ये जो आउटलाइन है इसको हम ब्लैक कलर से रिपीट करेंगे। उसके बाद आपको पेज को फोल्ड करना है और बैक साइड आप प्रेस करोगे, प्रेशर दोगे ज्यादा तो ये सेम मैच पार्ट यहाँ पर ट्रेस हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा मीन्स छप जाएगा, तो आपको वो ट्रेस जो सामने छप जाता है उसके ऊपर फिर से एक आउटलाइन ड्रॉ करना है और जो आपका जो पिक्चर है अब बॉय का उसको आपको इन कंप्लीट पार्ट को कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स, आपका जो पिक्चर है इस तरीके से कुछ ट्रेस हो जाएगा। सेम एज पार्ट यहाँ पर अपोजिट साइड में आपका पिक्चर जो फेस है वो ट्रेस हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पर जो आपने लाइन ओवरलैप किया था है ना, तो वो लाइन भी यहाँ पर ट्रेस हो जाएगा। सिमिलर आप लाइन यहाँ पर ऐड करोगे, जो डिफरेंट कलर हमें यूज करना है वो पार्ट में हम कलरिंग कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से आपको जो इनकम्प्लीट वर्क है, जो फेस हाफ फेस ड्रॉ किया है उसी के ऊपर ओवरलैप करते हुए उसको ट्रेस करना है ऑपोजिट पार्ट में। यहाँ सेंट्रल लाइन से आप फोल्ड करोगे तो ऑपोजिट पार्ट में उसका ट्रेसिंग वर्क होगा, यहाँ पे उसका छापा पड़ जाएगा, तो उसके ऊपर आपको ओवरलैप में जो पैटर्न्स है सिमिलर आपको पैटर्न्स यहाँ सामने भी दिखेगी, तो आप उसको वापस डार्क कलर से रिपीट करना है, जो पैटर्न है उसको हमें रिपीट करना है, तो जो आपका जो पिक्चर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो ड्राइंग वर्क है जो आपके आर्ट एंड क्राफ्ट बुक में पेज नंबर 17 पर दिया हुआ है, हाफ फेस ऑलरेडी दिया हुआ है, उसी के ऊपर आपको ओवरलैपिंग करना है कलर और उसको फोल्ड करके ट्रेस करना है। ओके स्टूडेंट्स।